हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, और सुबह हो गई है, सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं जो है वो नहा धो चुकी हूँ। नहाना धोना हो गया, हेयर वॉश आज किया है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। आज है हल्दी का फंक्शन, तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है, और सब लोग अभी नहाने धोने में, सुबह सुबह जो डेली के काम होते हैं सब लोग उसी में लगे हुए हैं। निधि अपना अलग लगी हुई है, नेहा अलग बाथरूम में लगी हुई है, एंड मम्मी नहा धो चुकी हैं। तो अभी मम्मी यहाँ पे कुछ काम में लगी हैं। भाई, शादी वाला घर है तो काम तो होगा ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं मम्मी क्या काम करने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे एक मार्केट से सब्जियाँ वगैरह आई हुई हैं, तो यहाँ पे जो सब्जियाँ आई हैं तो इनको ना भिगो करके रखना है ताकि ये खराब ना हो। कुछ सब्जियां फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे और कुछ ऐसे ही भिगो करके रख देंगे। तो देख सकते हैं मम्मी सुबह सुबह काम में लगी हुई हैं, और आज मतलब मायन वाली रस्म भी आज होगी, तो जिसके कारण से ना पूरा सब ममता बुआ सभी लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो अभी खाना पीना जहाँ बन रहा है वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगी। और यहाँ पे देख सकती है, ये करेला है, कद्दू है, यही सब सब्जियों में आया हुआ है। और ये आपको दिखा देते हैं, नेहा भी नहा करके आ चुकी है, और सब लोग अब हम लोग अपने अपने काम में लगेंगे, मम्मी लोग अपने काम में, लेकिन मेन काम मम्मी लोगों का ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बाहर दिखाते हैं, निधि की शादी में जो सामान उसके ससुराल जाना है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे त्रिवेणी की अलमिरा है, और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा है, बेड है, मैट्रेस है, एंड कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, एंड बक्सा है उसका बड़ा वाला जिसमें काफ़ी कुछ स्टोर का सामान आ जाता है। बक्सा तो हर घर में ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जितना भी शादी में उसका सामान देना है। बेड है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से, तो क्लियर से नहीं दिखा पा रही हूँ। वॉशिंग मशीन है, तो सब कुछ निधि के साथ उसके ससुराल जाना है ये सारा सामान। तो ये साइड में एक साइड रखवा दिया गया है, और बाहर ही रखवाया गया है, घर के अंदर रखवा देते तो फिर बाहर निकालना पड़ता। और उसके बाद मैं बाहर की ग्रीनरी दिखा देती हूँ कि मम्मी के पेड़ पौधे कितना लहलहा रहे हैं, और वैसे गांव का जो एटमॉस्फियर होता है उसमें पेड़ पौधे ना एकदम खिल जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। ये देखते हैं पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, गुलाब के, चमेली के, और हर तरह के, गेंदा सब कुछ, मतलब गेंदा भी इस टाइम तो सूख गया है, नहीं है, लेकिन गुलाब काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं, गुड़हल काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ना क्यारी वगैरह सजी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अपना घर अगेन आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पेंटिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अपना घर किसको नहीं पसंद होता, और हमारे घर का लुक भी बहुत अच्छा है। सामने एक हैंडपम्प भी लग गया, और अक्षर देखो मस्ती करने में लगा हुआ है यहाँ पर हैंडपम्प के पास। और उसके बाद मैं निधि की शादी का आपको कार्ड दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का निधि की शादी का कार्ड है, जिसमें पूरा डिटेल लिखी रहती है वर पक्ष की एंड वधु पक्ष की। तो निधि एंड निधि के होने वाले हस्बैंड का नाम है शाश्वत, एंड उन्हीं की पूरी डिटेल है इसमें फैमिली की। तो इस तरीके से कुछ कलर्स बनाया गया, तो कार्ड मुझे दिख गया, तो मैंने कहा चलो पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड ठीक से देखा ही नहीं था। एक्चुअली घर वालों को ही टाइम नहीं मिलता कार्ड देखने का, बाकी सब तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे शादी की डेट, विदाई की डेट सब कुछ मेंशन करा गया है, एड्रेस वगैरह। तो वैसे एड्रेस तो पर्टिकुलर शहर में ही बहुत ज़रूरी होता है, गाँव में तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, बट हाँ एक नॉर्मल जो डिटेल है वो लिखी जाती है। यहाँ पर पूरे फैमिली मेम्बर्स के नाम हैं, बच्चों के नाम हैं सब। तो बस यही पढ़ रही थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही हूँ।
करने में लग गई थी, सारी सब्जियां जो भी अच्छी अच्छी थी वो इस तरीके से भर करके इसमें पानी छिड़का जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब सब्ज़ी आती है तो इतनी तो हम फ्रिज में नहीं स्टोर कर सकते हैं। वैसे भी इस टाइम पर इतना गर्मी पड़ रही कि बता नहीं सकते हैं, और इस टाइम पर काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं, और गर्मी की शादियों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं भी मम्मी के साथ काम में लग गई थी, करेला है, कद्दू है, यही सारी सब्ज़ियाँ आई हुई थी, और शादी वाले घर में बहुत ही ज़्यादा काम होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रौनक भी होती है। 5 बजे सुबह से उठते हैं और उसके बाद सीधे जा कर के रात में 12-1 बजे तक सोना हो पाता है, और किसी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है क्योंकि आज है हल्दी का फंक्शन और मेहंदी का फंक्शन और कोई बहुत ही खास आने वाला है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसका इंतज़ार हो रहा है। प्राची और मौसी दोनों आने वाली हैं, क्योंकि उन्हीं का ठीक से पता है कि वो लोग आने वाली हैं, बाकी लोग तो नहीं कोई आ पा रहा है। और खुशी जस्सी भी शायद आए हैं तर्रा से, तो यही सारे लोग, और अपने मामा के पक्ष से अगर कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती ननिहाल से, मौसी के घर से। तो बस हम लोग वही खुश हैं, मम्मी और मैं यही बातें आपस में करते जा रहे हैं कि सब लोगों को आना है आज, देखो कौन कौन पहुंच पाता है। फिर मैं बोल रही थी कि प्राची तो ज़रूर आएगी, और देखते हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। निधि भी काफ़ी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि निधि भी सबके साथ उतना ही अटैच है जितना हम हैं, क्योंकि वो हमारे ही घर में पली बड़ी, तो उन रिलेशनशिप को उसने बहुत अच्छे से समझा है। तो यहाँ पे काम हो गया है मेरा और मम्मी का, तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से दूसरे कामों को निपटा लेते हैं और किचन में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेहा किस काम में लगी हुई है, और नेहा शायद यहाँ पे नाश्ता बनाने में लगी हुई है, तो सब्ज़ियाँ देख सकते हैं ऐसे कर लिया साफ, और मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है तो यहाँ पे नेहा स्नैक्स रेडी कर रही है, आलू चॉप करके रख दिया है, प्याज चॉप करके रख दिया है, और वो पोहा बनाने जा रही है नाश्ते में, साथ में टोस्ट निकाल दिया है रस्क वाले, यहाँ पे मूँगफली भी निकाल दिया है, क्योंकि सब लोग पोहा का नाश्ता करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि खाना बनते बनते दोपहर हो ही जाता है। कहीं नाउन चाची कहाँ कहाँ हो के आई हैं? कहाँ कहाँ न्योता दे आई? ममता के यहाँ आई तो का भा न्योता पहुँच गया कहाँ सबका? छता आई सबका नहीं पीना पानी हम जाए के का है पता है लाला पड़ोसी का है, पड़ोसी तो होबे करे। ठीक है, यहाँ पर नेहा का नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है, तो नाश्ते में पोहा रेडी हो चुके हैं, साथ में चाय बन गई है, रस्क है, तो हम लोग यही खाने वाले हैं। और नाउन चाची से मैं मजाक बहुत करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं, उनकी बातें ना तो बहुत अच्छी लगती सुनने में, तो बस मैं उन्हीं से बात कर रही थी, डिटेल ले रही थी कि आपने क्या क्या काम आज कर लिया, क्या क्या काम, क्योंकि नाउन का ही बहुत ज़्यादा काम होता है, सबको नेता देना, जगह जगह जो नेक चार होते हैं वो सारे करना। चाची अभी जा रही हैं, रेडी हैं कढ़ी वड़ा, कढ़ी और दही वड़ा बनाने जा रही हैं। ममता बुआ ने इनको कुछ डिसअपॉइंट कर दिया है। अच्छी लग रही है ऐसे। पर मेरी मम्मी बैठ करके सबके लिए नाश्ता निकाली हूँ, और ये मम्मी का ही काम होता है, जब भी खाना बन जाता है तो मम्मी सबको सर्व करने का काम करती हैं यहाँ पे, और नाश्ता भी सबको मम्मी ही निकालती हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे नाउन चाची भी अपना नाश्ता कर रही हैं, और उसके बाद इनको बहुत ही खास काम करना है, दुल्हन को उपटन लगाना है, क्योंकि कई दिनों से नाउन आज ही आकर के उपटन लगा रही है, 1 हफ्ते पहले से चाय हमको मिल चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं नाउन चाची उपटन लगाने में लगी हुई है, निधि के हाथों में, पैरों में, और आज अक्षत भी शौक इनको लगा हुआ है कि मैं भी उपटन लगवाऊंगा, तो बस नानी से बोले हैं कि नाउना जी से बोल दीजिए कि मेरे भी उपटन लगा दे, तो अभी अक्षत भी अपने उपटन हाथ पैरों में लगवाएंगे, यहाँ पे पहले निधि को लग जाए, फिर उसके बाद अक्षत को लगेगा। थोड़ा सा फ्री हो गई थी,
तो बोली चलो दीदी आपके एक हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। वैसे भी निधि को मेहंदी लगाने वाली अभी आने वाली है थोड़ी देर में, उसको हमने मॉर्निंग में ही बुला लिया है कि तुम मेहंदी लगा के अपना काम कंप्लीट करो, क्योंकि साथ में दो दो फंक्शन है शाम को, एक हल्दी का एक मेहंदी का, तो दोनों फंक्शन में डांस होगा गाना होगा, तो निधि भी फ्री रहे वो भी इंजॉय कर पाए, वरना पूरे हाथों में अगर उसकी मेहंदी ही लगी रहेगी तो वो कब इंजॉय करेगी, कब सारी चीज़ें करेगी। तो ये सोच कर हमने ना मॉर्निंग में ही मेहंदी वाली को बुला लिया है ताकि उसकी मेहंदी अच्छे से लग करके शाम तक में सूख भी जाए। और यहाँ पे मेरे हाथ में लग रही है तो आद्या भी जिद कर रही कि मामी मेरे हाथों में भी लगा दो, तो अभी हम भी पार्लर वाली से लगवाएंगे। लेकिन नेहा भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती, तो मैंने कहा चलो एक हाथ में तुम लगा दो और दूसरे हाथ में ना मैं पार्लर वाली से लगवा लूँगी, तो मैं फ्री भी हो जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे आ गया है चूड़ीहार, चूड़ी पहनाने वाला, तो बस उसी से बातें हो रही। टेंट हाउस का भी सारा सामान आ गया है, तो अभी यहाँ पे डेकोरेशन होने वाली है मेहंदी फंक्शन के लिए, हल्दी फंक्शन के लिए, यहीं पर मेहंदी और हल्दी दोनों फंक्शन होना है। वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर एंड सारे वीडियो को वॉच करते रहिए, अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। निधि की ससुराल और शादी के वीडियोज़ जो भी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है नावना जी का, चूड़ीहार का और ममता बुआ का, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय।